तो देखो मान लो सवाल मैं बोल रहा हूँ, लिखो चाहे मैं लिख भी दे रहा हूँ सवाल, सवाल अगर आपके सामने ऐसे लिखा हुआ हो, देखो ध्यान से देखो, स्ट्रिंग या गैप मेथड में कुछ ज्यादा खास नहीं है, दोनों है एक ही चीज की तरफ अप्रोच करता है। स्ट्रिंग में चीजों को एक साथ बांध दो, इकट्ठा कर दो और उसके बाद आप उनको अरेंज करो या सेलेक्ट करो, लेकिन गैप मेथड में चीजों को अलग अलग रखो और जिनको जो पास में नहीं होनी चाहिए उनके बीच में दूसरे वालों को भर दो, जो गैप क्रिएट हो उनमें उनको भर दो ताकि वो पास में नहीं होंगे। जैसे मान लो सवाल लिखा है कि देयर इज फाइव बॉयज एंड फाइव गर्ल्स, देयर इज फाइव बॉयज एंड फाइव गर्ल्स इन अ टीम, किसी टीम में पांच लड़के हैं पांच, या सिर्फ यही लिखते हैं पांच बॉयज है पांच गर्ल्स है, आर टू बी सीटेड ऑन अ इन अ रो, किसी रो में इनको हमको बैठाना है, सच दैट पहला मैं लिख रहा हूं कि हमको बैठाना है कुछ इस तरीके से बैठाना है, पहला इसका है कुछ इस तरीके से बैठाना है कि नो रिस्ट्रिक्शन, कोई कंडीशन नहीं हो, जैसे चाहे वैसे आप बैठा सकते हैं, नो रिस्ट्रिक्शन। दूसरा, अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई दो पर्टिकुलर लड़कियां हो जो एकदम हमेशा साथ में बैठने की जिद करती हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि टू पर्टिकुलर्स, दूसरा सवाल है टू पर्टिकुलर गर्ल्स वांट टू सीट टुगेदर, हमेशा एक साथ बैठना चाहती हैं दो पर्टिकुलर लड़कियां। तीसरा के बाद चौथा आपका, तीसरा कि आप ऐसा हो सकता है कि दो लड़कियां टू पर्टिकुलर गर्ल्स एंड टू पर्टिकुलर बॉयज, अब दो लड़कियां तो दो लड़कों के भी नखरे आ गए कि वो आपने को बोलने लगे कि हम लोग भी साथ में ही बैठेंगे, टू पर्टिकुलर बॉयज वांट्स टू सीट टुगेदर, एक साथ बैठना चाहते हैं दो पर्टिकुलर लड़कियां दो पर्टिकुलर लड़के। अब मान लो चौथा सवाल मैं लिख रहा हूं कि नो गर्ल्स, हमने मान लिया कि लड़कियां ज्यादा बात करती हैं तो उनको अलग अलग हम बैठना चाहते हैं, एक लड़की को साथ में दो लड़की को साथ में बैठाना ही नहीं चाहते हैं, तो हमने लगा दिया कि नो गर्ल्स सीट टुगेदर, कोई भी लड़की एक साथ न बैठे, एक ये आपका सवाल हो गया। तो आपका इतने तरीके के अलग अलग कैसे कैसे हम सवाल को सॉल्व करेंगे, पहले वाले का आंसर बताओ फटाफट, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 10 लोगों को बैठाना है तो ये क्या हो जाएगा, सीधे सीधे जैसे 10 चेयर है अपने पास, C1, C2 से लेके C10 तक 10 चेयर है, तो आप इस पे बैठाने का तरीका किसी को भी कहीं भी बैठा दिए तो पहले वाले का आंसर हो जाएगा 10 फैक्टोरियल, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो दूसरे वाले के साथ 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्या करेंगे कि जो पर्टिकुलर गर्ल्स है, मैंने माना कि एक गर्ल्स G1 है एक गर्ल्स G2 है, हमने इन दोनों को एक साथ बांध दिया, क्या कर दिया बात दिया, अब कहा कि अब इनको बांधने के बाद में जो G3 से लेके जो G10 थे अब मैं इनको एक मान लूंगा कि अब एक है, अब इनको मैं कितना भी अब मैं बैठाऊंगा किसी भी तरीके से तो हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ संख्या घट गया, 1, 2, 3, 4, 5 करते जाएंगे तो अब 9 लोग बचेंगे तो 9 फैक्टोरियल। लेकिन जो ये अंदर में थी साथ का मतलब होता है चाहे राइट लेफ्ट या लेफ्ट राइट, दो अलग अलग ऑर्डर होता है कि नहीं, तो ये हो जाएगा इनटू 2 फैक्टोरियल से अंदर वाले एक दूसरे के साथ ही अरेंज हो सकते हैं, बात समझ में आया। तीसरे वाले का बिल्कुल, दो लड़कियां ये G5, इसमें G5 बाकी है इनटू फिर B1 B2 से लेके B5 है, तभी तो 10 लोग हैं, तो ये आपका दो लड़कियां, मैंने दो लड़के B1 B2 इन दोनों को एक साथ बोले में बांध दिया, ये एक बॉडी हो गया, मतलब दो दिल एक जिस्म, ऐसा नहीं दो जिस्म एक दिल, ऐसा होता है क्या, कुछ ऐसा कुछ होता है ना, कोई दो जिस्म एक जान है, अरे कोई है यार डायलॉग है, ठीक है, तो ऐसे मतलब ये दो लोग एक में एक बॉडी बना लिए, दो लोग एक बॉडी बना लिए, बाकी जो G3 G4 G5 है इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, B2 B3 B4 B5 है इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लोग होंगे टोटल, इनको हम किसी भी तरीके से बैठाए हमेशा साथ साथ रहेंगे, लेकिन ये अंदर में ये खुद ये लोग अपने दो तरीके से इंटरचेंज कर सकते हैं और ये लोग भी दो तरीके से फैक्टोरियल टू तरीके से इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ये पूरा आंसर हो जाएगा, बात समझ में आया। चौथा वाला देखो,
जैसे मान लेते हैं सर 4 factorial into 3 factorial into 3 factorial. किसको? फोर्थ वाले को. 5 factorial तरीका होगा. नहीं नहीं नहीं, ज्यादा होगा सर. 4 factorial into 3 factorial 3 बार 3 factorial. देखो ज्यादा होगा, ध्यान से देखो. यहाँ पे ध्यान से देखो क्या है, कह रहा है कि कोई भी लड़की एक साथ नहीं बैठना. तो सबसे पहले हमें किसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है? लड़कों को. लड़कों के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सबसे पहले हम लड़कों को बैठा लेते हैं. देखो यहाँ पे B1, ये आप जो करने जा रहे हैं ये गैप मेथड है. B1, B2, B3, B4, B5. हमने 5 लड़कों को बैठा लिया. 5 लड़कों को बैठाने का तरीका कितने तरीके से बैठा सकते हैं? ये किसको हम बैठा रहे हैं? 5 लड़कों को. हमें एक्सप्लेनेशन नहीं लिख रहा हूं, सीधे आंसर लिख रहा हूं मैं. इनटू, अब इसके बीच में बताओ कि मैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे लड़की बैठा दिया तो क्या वो लड़की कभी साथ में हो सकती है क्या? कोई दो लड़कियां नहीं हो सकती है. लेकिन गैप कितना है? देखो ये गैप है, 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, 5 गैप, 6 गैप. कितने गैप है अपने पास? 6 गैप में से कहीं भी हम बैठा दिए, क्या बात समझ में? कहीं भी बैठा दिए तो कितने क्या हमेशा एक लड़की और मतलब दो लड़कियों के बीच में हमेशा एक लड़का हो जाएगा क्या? तो अपने पास गैप है. देखो ये आपके पास एक गैप ये आया, एक गैप ये आया, एक गैप ये आया, एक गैप जो ये खड़ी लाइन है गैप है. तो ये 6 में से कुछ कहीं भी 5 जगह पे, क्योंकि अपने पास कितने लोगों को बैठाना है? 5 लड़कों को, 5 लड़कियों को. तो 6 में से कोई भी 5 चुन लिया इसमें से. अब इसमें लड़कियों को बैठाने का तरीका क्या हो जाएगा? 5 factorial. बोले बात समझ में आया? अब क्या कोई दो लड़की साथ बैठ सकती है क्या? नहीं नहीं, वो तो क्या हो गया. कि मतलब देखो कैसे कैसे दोनों केस आपके सामने, जो आपस में आप बोल रहे हो वो भी हो गया. कि जो आप बोल रहे हो कि सर इसमें जो आपस में हो सकते हैं, देखो मैं इसको हटाता हूँ. देखो आप जो कह रहे हो कि सर ऐसे हो जाए कि G1 B1 स्टार्ट हो जाए या B1 G1 स्टार्ट हो जाए. लेकिन जब मैं 6C5 कर रहा हूं तो देखो G1 यहां से स्टार्ट होकर हो जा सकता है या पहले से G1 स्टार्ट होकर आ जा सकता है. दोनों आगे का ही हो गया इसमें इंक्लूड, तो दोनों ही केस इंक्लूड हो गया. ठीक है, अगर इसी में सवाल ऐसे बना देता कि ऐसे लिखना है कि एक लड़का एक लड़की अल्टरनेट हो, यही आंसर होता. अच्छा ऐसे होता कि लड़की से स्टार्ट हो तो पहले कौन बैठता? तब लड़की को बैठाने का अपने पास ये वाला ऑप्शन नहीं होता. ये नहीं होता, सिर्फ ये 5 गैप में, मतलब इन 5 में 5 5C5 into 5 factorial ये वाला गैप हट जाता. कब? अगर सवाल ये होता कि स्टार्ट किससे हो? लड़की से. या ये होता कि स्टार्ट लड़के से हो तो ये वाली जगह हट जाती, ये वाली जगह काम में आ जाती. आंसर तो वही रहता, लेकिन सवाल के कहने का तरीका बदल जाता. बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो ये गैप मेथड और स्ट्रिंग मेथड दोनों समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है आगे बढ़ते हैं. लिखेंगे इन अ स्कूल या इन अ क्लास. इन अ क्लास किसी क्लास में है. इन अ क्लास 5 गर्ल्स एंड 10 बॉयज आर प्रेजेंट. इतने बच्चे अब उस क्लास में किसी क्लास में प्रेजेंट हैं. ठीक है, नाउ We want to form a team of 6 players. 6 player की अपने को टीम बनानी है. 6 players such that अलग अलग conditions में कि क्या क्या हम पॉसिबिलिटी देख रहे हैं. 6 खिलाड़ियों की टीम बनानी है. कंडीशन देख रहे हैं कि किस किस कंडीशन में हम टीम बना सकते हैं. पहली कंडीशन आपसे कह रहा है कि कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो. कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो आपको टीम बनाने के लिए, कि मतलब किसी को कैसे भी चुन लो तो ये काम चल जाएगा, नो रिस्ट्रिक्शंस. दूसरा कह रहा है आपसे कि वन बॉय मस्ट बी इंक्लूड. कह रहा है कि 6 लोगों की टीम में 1 लड़का होना जरूरी है. तो तीसरा कह रहा है वन गर्ल मस्ट बी इंक्लूड, यानी आपको पक्का 1 लड़का और 1 लड़की आपको इंक्लूड करना है. तो कितने तरीके होंगे? मस्ट बी इंक्लूडेड. अच्छा चौथा वालों कह रहा है कि
टू बॉयज आपको इंक्लूड करना है एंड थ्री गर्ल्स इंक्लूड करना है तो क्या तरीका होगा? मस्ट बी इंक्लूडेड, बनाओगे आप? बनाओगे आप? मैं रुक जाऊं, रेड कर लेता हूं। पहले का नो रिस्ट्रिक्शंस, कितने लड़के टोटल? 15। 15 में से कैसे भी सेलेक्ट कर लो 6 लोगों को, क्या टीम तैयार हो गई? दूसरे वाले में ऐसे एक्चुअल में सवाल जो भी है वो दिख रहा है कि भाई 5 लड़कियां हैं, तो जब मैं इसमें लिया होगा 6 लोगों को, तो अगर जिस समय में 5 लड़कियां आ गई होंगी तब भी एक लड़का तो आया ही होगा। एक तरीका नहीं, ये कह रहा है कि एक लड़का होना ही होना चाहिए। अब एक लड़का होना ही होना चाहिए, इसका मतलब है कि एक लड़का भी हो सकता है, दो लड़का भी हो सकता है, तीन लड़का भी हो सकता है, चारों पांचों छह लड़के हो सकते हैं। बात समझ? ये बिल्कुल वही केस है, बिल्कुल जो बोल रहे थे वो बिल्कुल वही है कि एटलीस्ट वन बॉयज वाला केस अपने आप ले जा रहा है। वजह क्या है एटलीस्ट वन बॉयज की तरफ? क्योंकि 5 लड़कियां हैं सर। अगर यहीं पर लड़कियां, अभी अगले सवाल में देता हूं कि लड़कियां बढ़ जाएंगी तो आपका ये वाला केस एटलीस्ट वन बॉयज वाले में ये आपका नहीं रह जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये कह रहा है कि आपका, या मैं इसमें ना, मैं एक और सवाल ले, सुनो पांचवें नंबर पे कॉल मैं जोड़ दे रहा हूं कि सिर्फ वन गर्ल मस्ट बी इंक्लूडेड, मस्ट बी इन द टीम। पक्की बात है कि एक लड़की होनी ही होनी चाहिए। अब आपको समझाता हूं, ठीक है? पहले मैं अभी मैं पांचवें को सोल्यूशन देता हूं, फिर आपको देता हूं सेकेंड वाला, तब समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब कह रहा है कि एक लड़की होनी ही होनी चाहिए, तो पहले आप 5 लड़कियों में से एक लड़की को पहले ही सेलेक्ट कर लो। 5 लड़कियां हैं, 10 लड़के हैं, उनमें से कोई भी एक लड़की को सेलेक्ट करने का तरीका 5 हो जाएगा। 5C1 का मतलब 5 हो गया कि भाई देखो, एक भी जो भी G1 G2 G3 G4 G5 में से किसी एक को बुलाने का तरीका हो गया, 5 तरीका हो गया। बात समझ में आया? 5C1। अब कितने लोग रह गए? अब आ गए, जैसे मान लो कि 10 लड़के थे, 5 लड़कियां थी, उनमें से एक लड़की को बुला लिया, तो कितने लोग और बच गए? 14 में से आप कितने लोगों की हमें जरूरत है? 5, एक लड़की आ गई टीम में, ऑलरेडी एक लड़की आ गई है, 5 की जरूरत है। हमने किसी भी तरीके से 5 को बुला लिया, 14 में से किसी भी तरीके से 5 को बुला लिया, तो अगर ये 5 लड़के भी आए होंगे तो एक लड़की है यहाँ पे। अरे बात समझ में? अगर ये 5 में से एक लड़की भी आ गई होगी, ये 5 लड़के भी आ गए होंगे तो एक लड़की होगी। बात समझ में आ रहा है? अगर मैं इसको ऐसे कर लेता 15C6 करता, तो इसमें ऐसे चांस था कि 10 माने 10 लड़के थे, 10 में से 6 के 6 लड़के आ जाते, तो यहाँ पे लड़की नहीं भी आ सकते थे। माइनस करना पड़ता टोटल में से, जब कोई लड़की ना होती उसका केस माइनस करना पड़ता। नहीं, कैसे एक केस बनता? सारे लड़कियां अगर, मतलब जिसमें कोई लड़की ना होती तो वो होता है 10C6। मतलब कोई लड़की ना होती मतलब सारे के सारे लड़के होते, टोटल में से सारे लड़कों का केस माइनस कर देंगे तो उसमें कम से कम एक लड़की आ जाएगी क्या? तो ये आंसर और ये आंसर सेम होगा। बात समझ में आया? अभी नहीं समझ में आया राहुल? आया समझ में? क्या कह रहा है कि टोटल में से हमने पूरे लड़के वाले केस को माइनस कर दिया, तब इसमें से कम एक लड़की तो आ गई, मतलब एक लड़की तो इंक्लूड हो ही गई। आ रही बात समझ में? अच्छा, इसका क्या मतलब है कि एक लड़की ले लिया और उन बाकी जो बचे हुए उनमें से हमने 5, कोई भी किसी को भी सिलेक्ट कर लिया, अगर 5 लड़के आ गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 5, अच्छा 5 लड़के लड़की आ नहीं सकते क्योंकि उसमें तो आपका आपके पास 5 ही लड़कियां थी, तो अब एक लड़की पहले ले चुके हैं, तो यहाँ पे बची कितनी है? 4 ही लड़कियां, तो अब 5 लड़की एक लड़का हो सकता है। अरे बात समझ में? तो ये हो जाएगा। अब सेकेंड नंबर की बात करते हैं। सेकेंड नंबर में एक लड़का इंक्लूड करना है, 10 में से एक लड़के को पहले बुला लें, बुला ले 10 में से एक लड़के को, कितने लोग बच गए? 14 में से किसी तरह से 5 तरीके से बुला लूं, एक लड़का पक्का हो गया। अगर मैं कहूं कि ये 15C6 के बराबर भी, अगर सीधे 15C6 कहूं तो दोनों की बात एक ही है, ये इसके बराबर के बजाय मैं कहूं कि 15C6 आंसर। बात समझ में आ रहा है क्या? जरा देखो 15C6 को, और जरा आप मुझे थोड़ी देर में बताओ कि 10C1 × 14C5 क्या एक ही आंसर है क्या? जरा देखो, ये है 15 × 6 × 9 यही है ना? ये कितना है आपका 10 × 14 × यहां पे कितना है 5 × 9 सही है क्या? Yes, सही है। ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ऊपर 10 कहां पे? नहीं, 10C1 की वैल्यू 10 ना,
10 C1 की वैल्यू 10 और 14 में से किसी भी 5 को ले लिया, ये आपका 15 C6 का मतलब हो गया 15 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 6 इनटू फैक्टोरियल 9। अच्छा जरा बताओ यहाँ पे ये क्या 10 ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 14 अपॉन 6 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 9। ये आंसर ये बहुत ज्यादा जा रहा है, ये जरा देखो ये कितना, ये 60, ये मतलब ये 4 इंटू 15 हो रहा है इंटू फैक्टोरियल 14 हो रहा है इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 15 हो रहा है इंटू फैक्टोरियल 9 हो रहा है। अब जैसे देखो ये तो फैक्टोरियल 6 हो गया और यहाँ पे ये फैक्टोरियल 15 हो गया, ये 4 ज्यादा हो रहा है, 4 गुना ज्यादा जा रहा है इसमें केस, आप समझ रहे हो इसमें क्या जा रहा है, इसमें 4 गुना केस ज्यादा जा रहा है। अच्छा यहां से हमने क्या कहा है कि 10 में से 10 लड़कों में से किसी भी एक लड़के को सेलेक्ट कर लिया है, किसी भी एक लड़के को सेलेक्ट कर लिया तो अपने पास 9 लड़के बचे हैं और 5 लड़कियां बची हुई हैं, तो 9, 5, 14 में से हम किसी भी 5 को मैंने सेलेक्ट कर लिया तो अपने पास 6 टीम बन गई जिसमें से एक लड़का इंक्लूड है। और 15C6 में भी अगर हम देखें तो 15C6 में से अभी ऐसा हो जाएगा कि एक लड़का मतलब एक लड़का हमेशा रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जिस दिन पांचों लड़कियां भी आएंगी उस दिन एक लड़का तो आएगा ही आएगा, अरे यार ये बात समझ में। और वन बॉय मस्ट बी इंक्लूडेड मतलब एक बॉय आपका वन कोई भी एक लड़का हमेशा ही होना चाहिए, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि भाई एक लड़का भी हो गया ठीक है, दो लड़का भी हो गया, एक लड़का जरूर होना चाहिए मतलब एक टीम में एक लड़का भी हो गया, दो लड़का भी हो गया, तीन लड़का भी हो गया, चार लड़का भी हो गया, बात समझ में आ रही क्या। तो ये सारे केस पॉसिबल हो सकते, पांचों लड़के छह लड़के हो जाए तभी केस संभव है, तो इसमें तो वो भी है कि 15C6 में से आपके 6 के 6 लड़के आ जाए, ये 4 केस बढ़ कहां से रहा है ये जरा बस सोचना है। कहां पे ऐड क्यों ऐड होगा, ये दो अलग अलग तरीके उनको मतलब नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, 10 में से एक ले लिया ठीक है, बाकी अपने पास बचे हुए तरीके में से 14 में से 14C5 इसका जरा देखो ना, 14 में से ये क्या सही आया है, क्या ये 14 अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 14 में से 5 गया 9 फैक्टोरियल और वो 15 में से 6 गया 6 फैक्टोरियल, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई किया तो 15C6 में से कोई केस ऐसा जा रहा है क्या जिसमें लड़के नहीं होंगे, पंद्रह में से ठीक है ना। एक्चुअल में इसमें केस बढ़ रहा है वो कुछ इस वजह से बढ़ रहा है कि 15C6 यहाँ पे तो हम देख रहे हैं, अब हम जानते हो क्या कर दिए हैं यहाँ पे, हम 15 आइडेंटिकल मतलब 15 ऐसा मान लें कि 15 एक ही टाइप के आइटम्स है, कोई रिस्ट्रिक्शन समझने लगाया ही नहीं है यहाँ पे, कोई रिस्ट्रिक्शन जबकि एक्चुअल में क्या है कि लड़का लड़की तो अलग अलग हो गए, कोई पर्टिकुलर एक लड़के को सेलेक्ट करने का तरीका 10C1 होगा ही होगा, बात समझ आ रही है क्या। इसीलिए आपका तरीका जो होगा ये यही तरीका, ये नीचे वाला ही तरीका सही है कि 10 में से क्या करो आप, 10 में से एक लड़के को सेलेक्ट कर लो, बाकी बचे हुए में से 5 किसी को भी सेलेक्ट कर लो, ये तरीका हो गया। अब जरा देखो तीसरे वाले के लिए बात करते हैं, तीसरे वाले के लिए एक लड़का और एक लड़की जरूर होना चाहिए, तो बोलो 5 में से एक लड़की सेलेक्ट कर लो मैं, फिर बच्चे 10 में से एक लड़की एक लड़का सेलेक्ट कर लिया, फिर बचे कितने, टोटल कितने लोग बच गए, और कितने लोग बच गए, दो लोग निकल गए, 13 लोग बच गए, और कितने लोग चाहिए, 4 लोग, तो 13 में से कोई भी 4 लोग आ जाएंगे, 6 की टीम तैयार हो जाएगी। यहाँ पे हम पक्का कर ले रहे हैं कि एक लड़की आ गई है और एक लड़का आ गया, पक्का कर लिए चौथा वाला। अब कह रहा है कि 2 लड़के और 3 लड़कियां चाहिए, तो 10 में से कितने लड़के सेलेक्ट कर लिया और 5 में से कितने लड़कियां बचे, कितने 3, 2, 5 निकल गए, 10 बचे, 10 में से कितना सेलेक्ट करना है, एक लोग को किसी भी तरीके सेलेक्ट कर लिया, यही आपका असली तरीका है, बात समझ में आ रहा है, समझ आएगा, क्योंकि लड़के लड़की को सेलेक्ट करने का तरीका अलग होगा ना, हम एक समान 15C6 में हमने मान लिया कि कोई 6 बस आप 15 आइटम है जो अलग अलग तरह के दिख रहे हैं, बात समझ में आ रहा है, कोई रिस्ट्रिक्शन उस पर है ही नहीं, बात पकड़ में आई कि नहीं, ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। लिखो इना क्रिकेट टीम में क्या क्या स्पेशलिस्ट होते हैं, एक बॉलर होता है, बैट्समैन होता है और कीपर होता है, ऑलराउंडर बॉलर बैट्समैन मिला के होता है, सही है ऑलराउंडर होता है, स्पेशलिस्ट क्या होता है, बैट्समैन बॉलर कीपर
और ऑलराउंडर, इतने लोग होते हैं। तो इन्हें क्रिकेट टीम टीम ऑफ 13 प्लेयर्स, अरे भाई क्रिकेट टीम में 15 प्लेयर भी होते हैं, ठीक है ना, हाँ, तो सब मिला के 4 बॉलर्स हैं। बॉलर्स की बॉल की स्पेलिंग क्या होती है, बी ए होती है ना, बी ओ होती है, बॉलर ये होती है, ठीक है। तो बॉलर्स आर देयर, 4 बॉलर आर देयर, वहां पे 4 बॉलर बैठे हुए हैं, फिर ठीक है। इन हाउ मेनी वे कितने तरीके से टीम ऑफ 11 प्लेयर्स 11 खिलाड़ियों की टीम कितने तरीके से बनाई जा सकती है, कैन बी फॉर्म्ड व्हेन जो हो कोई भी 2 बॉलर, व्हेन 2 बॉलर आर देयर, मतलब 2 बॉलर तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब होता है कि 2 बॉलर, एटलीस्ट 2 बॉलर भी लिखा सकता था कि 2 बॉलर चाहिए चाहिए, इसका मतलब यह भी हुआ कि 2 बॉलर चाहिए, मतलब एटलीस्ट 2 बॉलर चाहिए, देखो 2 केस है, एक बोलता है कि एग्जैक्टली 2 बॉलर चाहिए या एटलीस्ट 2 बॉलर चाहिए, एग्जैक्टली 2 बॉलर चाहिए मतलब 4 में से 2 सेलेक्ट कर लिया, केस क्या बनेंगे इसके, केस क्या क्या बन सकते हैं, देखो जरा सोचते हैं, बाकी आप आंसर खुद लगा दोगे। देखो अपने पास कितने लोग हैं, 13 खिलाड़ी हैं, तो अगर 4 बॉलर हैं तो 9 क्या है, बैट्समैन फील्डर है, अरे बात समझ में आ रहा है क्या, 9 बैट्समैन के फील्डर है, 11 लोगों की टीम बनानी है, हमने 2 बॉलर सेलेक्ट किया तो बाकी कितने लोगों को सेलेक्ट करना पड़ेगा, इधर से 9 लोगों को, आई बात समझ में, 3 बॉलर सेलेक्ट किया इधर से कितने लोगों को सेलेक्ट करना पड़ेगा, 8 लोगों को, इधर से 4 सेलेक्ट किया इधर से कितना सेलेक्ट करना पड़ेगा, और इधर से 5 सेलेक्ट किया इधर से कितना, इधर से 5 सेलेक्ट किया कितने सेलेक्ट करना पड़ेगा, 5 सेलेक्ट कर सकते हैं क्या, क्योंकि बॉलर कितने हैं, टोटल में से 9 बॉलर हटा दें, 1 बॉलर हटा, वो लंबा काम हो गया ना वो भी, ठीक है, हाँ हो जाएगा कब भी, बिल्कुल सही, टोटल माइनस 9, तो इसके केस इसके पास, अगर बोलता कि सवाल बोलता कि एग्जैक्टली 2 बॉलर चाहिए तो कोई दिक्कत ही नहीं, बस पहला ही केस होता, 2-4 में से 2 बॉलर ले लेते, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 में से 2 बॉलर और 9 में से 9 खिलाड़ी, यहां इसका क्या हो जाएगा, 4 में से 3 बॉलर और 9 में से 8 खिलाड़ी, यहां 4 में से 4 बॉलर और 9 में से 7 खिलाड़ी, और सबको जोड़ देंगे, क्योंकि जब काम खत्म हो जाए ना, हाँ बिल्कुल, उसमें भी 3 टर्म, तो देखो ये भी देखो, जब काम खत्म हो जाए, एक केस का काम खत्म हो जाए तो अगले केस को हम जोड़ते हैं, जब और उस केस में रहते हैं तो मल्टीप्लाई करते, जैसे 2 और 9 मिलके अपना 11 की टीम पूरी कर रहे हैं, पर्पस पूरा कर रहे हैं, कब 2 और 9 मिलके, और ये पर्पस पूरा हो गया, टीम तैयार हो गया, तो फिर अगली बार 3 और 8 मिलकर जो पूरा कर रहे हैं, इनका जो आंसर होगा दोनों को जोड़ देंगे, इनका भी टीम तैयार हो गया, फिर 7 और 4 मिलकर एक टीम तैयार कर दिए, जब काम पूरा हो जाए तो अगला काम, और बाकी और केस पॉसिबल है तब हम आंसर जोड़ेंगे, अरे बात समझ में, ठीक है अगला सवाल मैं लिखता हूं फटाफट। अगला सवाल है, ए मैन हैज 7 रिलेटिव्स, ए मैन हैज 7 रिलेटिव, जिसमें से कुछ लड़के होंगे, कुछ लेडीज होंगे, कुछ जेंट्स होंगे, इन विच 4 लेडीज, आपके 4 लेडीज है एंड 3 जेंट्स है, मतलब 3 महिला मित्र हैं और 4 पुरुष मित्र हैं, ठीक है, हिज वाइफ, उसकी भी वाइफ भी कम नहीं है, हिज वाइफ हैज आल्सो सेवन रिलेटिव्स, ये भी 7 रिलेटिव हैं इसके, हैविंग थ्री लेडीज एंड 4 जेंट्स, मतलब दोनों का एकदम बिल्कुल अलग है, पुरुष के 4 लेडीज मित्र हैं, 3 जेंट्स मित्र हैं, मतलब अपोजिट ज्यादा,
ठीक है, तो आगे आप बात करते हैं इन हाउ मेनी वे, इन हाउ मेनी वे, किस तरीके से, कितने तरीके से, हाउ मेनी वे दे कैन कॉल, दे कैन कॉल थ्री जेंट्स एंड फोर लेडीज एट अ डिनर, किसी डिनर पे कितने तरीके से बुलाया जा सकते हैं, बुला सकते हैं, व्हेन थ्री रिलेटिव फ्रॉम, व्हेन थ्री लेडीज एंड थ्री जेंट्स और थ्री लेडीज, व्हेन थ्री रिलेटिव्स फ्रॉम मैन साइड एंड थ्री फ्रॉम वाइफ साइड, एंड थ्री फ्रॉम वाइफ साइड, जरा सोचो तो भाई, कह रहा है कि एक आपका एक हस्बैंड वाइफ है, उनके पास कुल कितने हैं, आपके पास, कह रहा है कि उनके पास कुल, हस्बैंड के पास चार महिला मित्र है और तीन पुरुष मित्र है, उसकी वाइफ के पास कितने, तीन महिला मित्र है और चार पुरुष मित्र है, और ये दोनों लोग मिलके कुल छह लोगों को अब बुलाना चाहते हैं, किसमें, पार्टी में, छह लोगों किसे बुलाना चाहते हैं, पार्टी में या डिनर पे बुलाना चाहते हैं, और कुछ इस तरीके से हर घर की कहानी है, ठीक है ना, मतलब थोड़े बड़े लोगों की, ठीक है, तो वो जो है कि ऐसे कि आपको ऐसे बुलाना है कि भाई तीन आदमी के साइड से आए और तीन उसके वाइफ के साइड से आए, लेकिन तीन औरत आनी चाहिए और तीन पुरुष आने चाहिए, आ रही बात समझ में, सब सवाल समझ में आया कि नहीं, कि दोनों लोगों के कुछ कुछ फ्रेंड है, छह लोगों को बुलाना है, तीन महिला तीन पुरुष को बुलाना है, तीन महिला के साइड से होना चाहिए, तीन पुरुष के साइड से होना चाहिए, क्या क्या केस बनेंगे, जितने पॉसिबल केस बनेंगे सब बनाओ। देखो यहां पे हमने लिखा मैन साइड, इधर लिखा, इधर हमने उसके वाइफ का साइड लिखा, केस कैसे बनाते हैं वो अगर समझ लेंगे एक बार तो दिक्कत नहीं होगी। यहां पे इसकी ये आपका इधर थ्री लेडीज हैं इसके, नहीं शायद फोर लेडीज हैं, कितने लेडीज हैं इसके, फोर लेडीज हैं, और इधर में थ्री जेंट्स इसके मित्र है, थ्री पुरुष मित्र है, और ऐसे ही इसकी वाइफ के थ्री लेडीज है और फोर इसके जेंट्स हैं। तो आप कैसे केस बनेंगे, देखो आपने इसने मान लिया कि तीनों के तीनों किसको इनवाइट कर लिया पार्टी में, तीनों महिला लोगों को इनवाइट कर लिया, तो अब इसके पास तीन ही का ऑप्शन चॉइस था आदमी के पास, तीनों महिलाओं को इनवाइट कर लिया, तो यहां से जीरो इनवाइट करना पड़ेगा। अब ये तीनों महिला को इनवाइट कर लिया है तो इनकी मजबूरी है कि ये तीनों किसको इनवाइट करें, पुरुष को, क्योंकि अब ये तो महिला इनवाइट कर नहीं सकती है क्योंकि तीन लेडीज और तीन पुरुष होने चाहिए थे। अब एक काम कर सकता है कि ये आपका दो लेडीज इनवाइट किया तो इसको एक जेंट्स इनवाइट करना पड़ेगा क्योंकि तीन इसके साइड से होना जरूरी है, तो एक जेंट्स को किया, तो अब यहां पे दो लेडीज है तो एक लेडीज ये बुलाएंगे और दो जेंट्स ये बुलाएंगे, पूरा हो गया, अभी भी तीन आदमी हो गए और तीन औरत हो गए। यहां फिर क्या केस बन सकता है कि यहां से ये एक लेडीज बुलाए और दो जेंट्स बुला लें, तो ये आपकी दो लेडीज बुला लें और एक जेंट्स बुला लें, सही है, या इधर से ये कोई लेडीज बुलाए ही ना तो ये क्या हो जाएंगे, तीनों के तीनों जेंट्स बुला लेंगे, तीन जेंट्स बुला सकते भी हैं ये क्योंकि इनके पास तीन जेंट्स मित्र हैं, तो ये तीनों के तीनों ये लेडीज बुला लें, यहां से ये कोई जेंट्स नहीं बुला सकते हैं। अब सबका केस क्या होगा, बोले तीन लेडीज को बुलाने का 4C3 हो जाएगा क्या, इनटू एक भी जेंट्स नहीं बुलाने का तरीका 3C0, काम खत्म नहीं हुआ, अभी इसी में चलेगा, ये आपका तीन में से एक भी नहीं बुलाया इनटू ये चार में से तीन बुलाया है, सबको मल्टीप्लाई कर लिया, एक केस खत्म हो गया, यानी पार्टी कंप्लीट हो गई, डिनर उस दिन किया जा सकता है इस तरीके से। तो डिनर अगली बार डिनर करने का ये इन्होंने प्लान ऐसा बनाया, तो अगली बार ये मतलब चार में से दो बुलाया, तीन में से एक बुलाया, तीन में से एक बुलाया, चार में से दो बुलाया, चार में से एक बुलाया, तीन में से दो, तीन में से दो, चार में से एक, और फिर यहां पे चार में से जीरो, तीन में से तीन, तीन में से तीन, चार में से जीरो। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सबको जोड़ देंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। हाँ अगला सवाल,
जैसे मान लो मैंने डिफरेंट वर्ड, हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, डिफरेंट वर्ड्स कैन बी हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ वर्ड लेटर ऑफ वर्ड मतलब इन अक्षरों से लेटर ऑफ वर्ड वर्ड है आपका जरा ध्यान से लिखेंगे VANQUIUIHER ठीक है ऑफ द वर्ड पहला इसका सवाल है such that all vowels comes together यानी सारे के सारे स्वर जो हैं एक साथ आ जाए स्वर हिंदी में बोलते हैं अंग्रेजी में वॉवेल्स बोलते हैं दूसरा such that no two vowel comes together एक साथ आए तीसरा such that all vowel comes together हमेशा एक साथ आए ये ऊपर आ भी चुका है लेकिन एंड ऑल कॉन्सोनेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं व्यंजक कॉन्सोनेंट्स कम्स टुगेदर पता है हम बहुत दिने तक व्यंजन व्यंजक को व्यंजन समझते थे व्यंजन मतलब होता है हिंदी में खाना ठीक है तो हम बहुत बार बोलते थे कि व्यंजन है लेकिन बाद में फिर एक बार ध्यान से देखे तो लिखा था व्यंजक हम कहे अच्छा ये है सच दैट वॉवेल ऑक्यूपाई इवन प्लेस such that vowels occupy even place और पांचवा such that two vowel at each end और छठा भी तब चलो मैं दे रहा हूं such that vowel at terminal बिल्कुल vowel at terminal terminal का मतलब बता दो है अभी से या सोचोगे दोनों तरफ एक ही इसका कुछ कुछ सिमिलर है मे भी आंसर भी सिमिलर हो जाए लेकिन देखना क्या होगा कैसे सोचना ठीक है ना क्या करना है अपने को टर्मिनल का मतलब इधर इधर दोनों टर्मिनल हमेशा दोनों होता है टर्मिनल सिर्फ राइट नहीं होता है टर्मिनल दोनों होता है इधर भी दोनों साइड में आपका वावेल होना चाहिए ये भी बोला है कि सच दैट टू वावेल एट एंड ठीक है ना एट ईच एंड दोनों एंड पे तो दोनों एक ही बात कर रहे हैं बात समझ में आ रहा है चलो ठीक है बाय बाय